हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स एडिटर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के बारे में डिस्कस किया और इन मोड्स को हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, एस्केप मोड में कैसे जाते हैं, कमांड मोड में कैसे जाते हैं और इंसर्ट मोड में कैसे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के द्वारा ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एस्केप मोड, कमांड मोड और इंसर्ट मोड के द्वारा हम लोग ये सभी टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं वापस अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मलिक नाम की फाइल क्रिएट की हुई है और इसके अंदर मैं विम एडिटर के द्वारा एडिट करना चाहता हूँ। तो एडिटर नेम और फाइल नेम टाइप करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आप अपनी फाइल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये है विम का एस्केप मोड। एस्केप मोड के अंदर जो सबसे पहला टास्क होता है दोस्तों, वो हम लोग यूज करेंगे कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप एक पर्टिकुलर लाइन कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप ये वाली थर्ड वाली लाइन कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर्जर उसी लाइन में लेके जाइए जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं और दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से इस पूरी लाइन को कॉपी करने के लिए दो बार वाई प्रेस कीजिएगा। दो बार वाई प्रेस करना है, वाई फॉर येलो। तो दो बार वाई प्रेस कीजिएगा, वाई दो बार वाई प्रेस करते ही आपकी पूरी लाइन जो है वो कॉपी हो जाती है और जहां पर भी आप उस लाइन को पेस्ट करना चाहते हैं कर्जर वहां पर लेके जाइए और एक बार पेस्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एक बार सिंगल टाइम पी प्रेस करना है, पी फॉर पप्पू। तो पी प्रेस कीजिए, देखिए जरा आप यहां पर वो लाइन पेस्ट हो चुकी है। जितनी बार भी आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे इतनी ही बार वो लाइन कॉपी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने एक सिंगल लाइन को कॉपी किया। दोस्तों यहीं पर, हाँ, इसमें दोस्तों एक छोटा सा वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, डिलीट। दोस्तों एस्केप मोड के द्वारा आप डिलीट भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लाइन को, मल्टीपल लाइंस को या एक पर्टिकुलर वर्ड को। वो कैसे करते हैं ये देखिएगा जरा। दोस्तों जिस भी लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं कर्जर वहीं पर लेके जाइएगा और अपने कीबोर्ड से आप दो बार डी प्रेस कीजिएगा, डी डी। दो बार, जितनी बार भी आप डी प्रेस करेंगे उतनी ही लाइन कॉपी, सॉरी, डिलीट होती रहेगी। दो बार डी प्रेस करने से एक लाइन डिलीट हो जाएगी, आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद आता है कट कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप एक पर्टिकुलर लाइन को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग, सबसे पहले आप कर्जर उसी लाइन में लेके जाइए जिसे आप कट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट लाइन को कट करना चाहता हूं तो कट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से
दो बार सी प्रेस कीजिएगा, सी सी। जैसे आप दो बार सी प्रेस करते हैं तो वो लाइन जो है दोस्तों वो कट हो जाएगी आपके सामने, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और जहां पर भी आप उस लाइन को पेस्ट करना चाहते हैं वहीं पर आप अपना कर्जर लेके जाइए और आप अपने कीबोर्ड से सिंगल टाइम पी प्रेस कीजिए। ये आप देख सकते हैं, जितने बार भी आप पी प्रेस करोगे वो लाइन पेस्ट होती रहेगी। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी लाइन को कट कर सकते हैं। दोस्तों कट करने के बाद वापस हम लोग पिक्चर पर चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कॉपी किया, कट किया, पेस्ट किया, डिलीट किया। दोस्तों अब हम लोग अंडू अंडू कैसे कर सकते हैं? तो अंडू करने के लिए वापस आप अपनी फाइल पर जाइएगा और अपने कीबोर्ड से सिंगल टाइम यू प्रेस कीजिएगा, यू। जितने बार भी आप यू प्रेस करते हैं आपकी जो फाइल है वो अंडू होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आप रेडो करना चाहते हैं, दोस्तों रेडो करने के लिए यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा रेडो है। दोस्तों रेडो करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए, कंट्रोल आर। देखिए जो भी अंडू हुआ है वो वापस रेडो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों कर्जर मूव कराना। कर्जर कैसे मूव करा सकते हैं वो देखिए जरा। अब अगर यहां पर अगर हम लोग देखें, हमारा जो कर्जर है वो अभी लास्ट लाइन में है। अगर आप कर्जर टॉप लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से दो बार जी प्रेस कीजिए, जी जी। जैसे आप दो बार अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करते हैं तो कर्जर जो है वो टॉप लाइन पे पहुंच जाता है। अब अगर आप बॉटम लाइन में लेके आना चाहते हैं अपने कर्जर को तो आप शिफ्ट के साथ जी प्रेस कीजिएगा सिंगल टाइम। देख सकते हैं आप यहां पर, जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ सिंगल टाइम जी प्रेस किया तो कर्जर जो है वो बॉटम लाइन में आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो कर्जर है वो लाइन की स्टार्टिंग में है। अगर आप अपने कर्जर को लाइन के एंड में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से डॉलर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से डॉलर प्रेस करते हैं तो कर्जर जो है वो लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। अगर आप कर्जर को लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से जीरो प्रेस कीजिएगा। जैसे आप जीरो प्रेस करते हैं तो कर्जर जो है वो लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग, यहां पर आपने देखा कि हम लोग एस्केप मोड को कैसे यूज करते हैं, कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, रेडो, कर्जर मूव कराने के लिए और कंटेंट को डिलीट करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमांड मोड। कमांड मोड को हम लोग कैसे यूज करते हैं? दोस्तों कमांड मोड में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कोलन प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं कमांड रन करूंगा वो आपको यहां पर डिस्प्ले होगी और उसका आउटपुट जो है आपको फाइल में डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले कमांड मोड को यूज करने के लिए सर्च सर्च कैसे करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी फाइल के अंदर कमांड मोड के द्वारा, वो देखते हैं जरा। तो सर्च करने के लिए दोस्तों यहां पर आप कमांड मोड के अंदर आइएगा, फॉरवर्ड स्लैश के साथ में जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर उस वर्ड को टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहां पर यथार्थ, दोस्तों यथार्थ को मैं इस फाइल के अंदर सर्च करना चाहता हूं, तो आप कमांड मोड के अंदर जाइएगा कोलन और वर्ड टाइप करके अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपकी फाइल के अंदर जहां जहां पर भी यथार्थ वर्ड यूज हो रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यथार्थ वर्ड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अनदर वर्ड के साथ,
तो उसके लिए दोस्तों मैं नई वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो रिप्लेस कैसे करते हैं हम लोग कमांड मोड के द्वारा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी।